टैंक GTRI ने सोमवार को कहा है कि भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव का अब तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वैसे थिंक टैंक ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे विवाद आगे बढ़ता जाएगा, दोनों देशों को पूर्ण आर्थिक गिरावट से बचने के लिए अपने कार्यों का सावधानी पूर्वक मैनेज करना होगा। PTI की खबर के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार वास्तव में 2022-23 में 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कनाडा से भारत का आयात, खबर के मुताबिक कनाडा से भारत का आयात बढ़कर 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि निर्यात में मामूली गिरावट भी देखी गई है जो 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई। इसमें कहा गया है कि आंकड़े बताते हैं कि कम से कम अभी के लिए आर्थिक संबंध स्थिर बने हुए हैं, जो हाल फिलहाल में चल रहे कूटनीतिक तूफान से अप्रभावित है। भारत को अप्रैल 2000 और जून 2024 के दौरान कनाडा से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। कूटनीतिक तनाव हमेशा विनाशकारी नहीं होता। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि फिलहाल भारत और कनाडा के बीच व्यापार की लचीलेपन एक महत्वपूर्ण सबक को उजागर करता है। कूटनीतिक तनाव भले ही नुकसानदायक हो, लेकिन हमेशा आर्थिक संबंधों के लिए विनाशकारी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे विवाद आगे बढ़ता है, दोनों देशों को पूर्ण आर्थिक गिरावट से बचने के लिए अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। क्या है ये पूरा विवाद? भारत ने सोमवार को कनाडा से अपने उच्चायुक्त और दूसरे लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की। ओटावा के आरोपों को दृढ़ता से खारिज करने के बाद, जिसमें राजदूत को सिख चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जोड़ा गया था, जो दोनों देशों के बीच पहले से ही ठंडे संबंधों में एक बड़ी गिरावट थी। भारत का यह निर्णय कनाडा के प्रभारी स्टीवर्ट विलर्स को विदेश मंत्रालय MEA में बुलाए जाने के तुरंत बाद आया, और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और बाकी राजनयिक और अधिकारियों को आधारहीन टारगेट करना पूरी तरीके से अस्वीकार्य था। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि तनाव तब शुरू हुआ जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक कनाडाई नागरिक और सिख अलगाववादी नेता की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। इस आरोप के कारण राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया और मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की वार्ता को भी रोक दिया गया।